हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे अमरूद पर फूल और फल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उत्पादन करें। तो दोस्तों, उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारे जो प्लांट है, जो जहाँ प्लांट होता है, तो उसकी हमें देखभाल करनी होती है। उसके बाद जो प्लांट है दोस्तों, जो हमारी जड़ें हैं, इसको साफ सुथरी रखना। जो हमारा प्लांट है दोस्तों, आप जो देख रहे हो, ये जो हमारा प्लांट है, आप जो इसकी जो ग्रोथ है, जो इसकी जड़ होती है, अगर हमें इसकी ग्रोथ बढ़ानी है और हमें फल और फूल अगर हमें ज़्यादा अगर पानी है, तो इसकी हमें देखभाल करनी पड़ेगी। तो समय से इसकी जो सिंचाई है, जो हमारा जो प्लांट है, हमारे प्लांट की जो ग्रोथ बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सनलाइट, जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य से जो किरणें आती है, वो हमारे लिए पेड़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद जो हमारी सिंचाई होती है, समय के हिसाब से प्लांट की जो ग्रोथ अगर बढ़ानी है, तो हमें समय के हिसाब से हमारी प्लांट की सिंचाई जरूरी होती है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा प्लांट अगर सही तरीके से उगाना है, अगर उसके फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोस्तों हमें पानी है, तो सबसे पहले हमें कंपोस्ट, जो हमारी जो पेस्टिसाइड होते हैं और हमारी जो जैविक जो खाद होते हैं, उनका प्रयोग करके हम प्लांट को मजबूत और एक ताकतवर और एक मजबूत और अच्छा उत्पादन करने वाला प्लांट हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे प्लांट अगर शुरुआत हुई हो, तो अगर हमारे जैसे अभी प्लांट है हमारा, अगर शुरुआत होने जा रही है इस प्लांट की, तो दोस्तों हमें इसको इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें गोबर की खाद जो है इसके चारों तरफ, या हमें केले के पत्ते जो होते हैं उसको ला के, दोस्तों हमें केले के जो पत्ते होते हैं उसको हम ला के उसका जो मिक्सर करके हम इसके प्लांट की जो चारों तरफ है हम उसको भी हम गेर के, या हमें वर्मी कंपोस्ट आता है उसका भी हम गेर के इसको करके हम पानी की कुछ मात्राएं इसको देके, तो हम जो हमारा जो प्लांट है हम इसको ग्रोथ कर सकते हैं और हमारे फल फूल हम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी जो गोबर की जो खाद होती है वो हम मिलाने के बाद हम अब पोसते हैं जो हमारी स्टीमें होती है, जो हमारा जो ये प्लांट आपको जो आप प्लांट देख रहे हो ना, जो इसकी स्टीम है, और अब जो ग्रोथ कर रहा है ये, जो हमारा जो अब इसकी जो फूल है, ये दोस्तों आप देख रहे हो, जैसे ये छोटे फूल है, ये हमारे फूल हैं। अगर हम सही तरीके से इसकी सिंचाई या कंपोस्ट द्वारा जो खादें हैं, अगर हम समय के हिसाब से अगर इसको हम लगाते हैं, तो दोस्तों बहुत स्पीड से ग्रोथ करेगा और इसका जो फल है, जो हमारे अमरूद है, ये बड़े शानदार और बड़े अच्छे गुच्छेदार, आप ये देख रहे हो, जो इसका फूल आ रहा है बड़ी अच्छी तरह से आ रहा है। ये जो अमरूद के जो फूल दिख रहे हैं, ये बड़ा अच्छी तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों, हमने जो आपको बताया है कि जो हमारा जो प्लांट होता है, अमरूद का जो प्लांट होता है, उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाती है और उस पर फल और फूल सबसे ज़्यादा कैसे लगाए जाते हैं, तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि प्लांट के अंदर फूल और फल सबसे ज़्यादा उगाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी आप सभी का स्वागत करता है। मैं इमरान सैफी। दोस्तों, हमारा अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।